I am coming for 7th Thumb Awards happening on Saturday, 5th October at NRG Arena, Houston. I'm so excited to see you all. Go book your ticket now. झूठ नहीं सुनना है मुझे। इसका हुलिया बता रहा है कि कहानी क्या है। कैसी बातें कर रहे हैं बाबा? ऐसी कोई बात नहीं। तुम बताओगे ना? मैं सच कह रहा हूं बाबा। कहाँ बनके दिखाऊंगी। खैर, इस बात को तो तुम रह नहीं दो। ईशा की तरह तो तुम कभी नहीं बन सकती। कह रही है ना वो कि वो बदल जाएगी। मिलावट की बहस करने की क्या जरूरत है? और वैसे भी मेरे रब ने माफी के रास्ते कभी भी बंद नहीं किया। फिर हम इंसानों की क्या औकात कि किसी को माफ ना कर सके। शाबाश। ईशा और अंबर किचन में जाके उनकी हेल्प करो। जी। इतनी बड़ी तब्दीली, इसे अचानक क्या हो गया? जो भी कुछ हुआ अच्छा हुआ है ना। और वैसे भी ये तंज और तानों के तीर ना चलाया करो। हर किसी जो लोग सही रास्ते पे चलना चाहते हैं ना, इन बातों से बेजार हो जाते हैं लोग। अच्छा, आप मुझे नसीहतें मत करें और इस लड़की से ज्यादा तवक्कुआत मत वाबस्ता कर लें। आज तो पहला दिन ना, कल देखिएगा क्या करती है, ड्रामे कहीं की। अच्छा गुमान क्या करो तहमीना, अच्छा गुमान करोगी तो सब अच्छा होगा। ईशा, मैंने तो सोच लिया आज मैं पर्स नहीं लेके जाऊंगी, सारी शॉपिंग ना मुझे तुम कराओगी। ठीक है, मैं भी सारे जैद के पैसे खर्च करूंगी। कितना सुकून है इन दोनों के चेहरों पर, ना कोई टेंशन ना कोई बेजारी। खुशी खुशी अपना काम समेट रही है और एक मैं हूं कमजोर और निकम्मी, इसीलिए तो किसी के दिल में आज तक अपनी जगह नहीं बना सकी। और ईशा, सब किस तरह इसकी तारीफें करते फिरते हैं, और ये मुकाम बनाने के लिए इसने किस तरह अपने दिल को मारा है। भाई, मैं जैद से कह दूंगी अंबर ने सारे पैसों की शॉपिंग कर ली। जूनिया आओ ना। मैं कुछ हेल्प करवाऊं तुम लोगों की? नहीं नहीं जोनिया, देखो सब कुछ हो चुका है ऑलरेडी। नहीं, वो चाय डालनी है अभी और नाश्ता भी लगाना है टेबल पे। मैं निकाल दी। अरे नहीं नहीं जोनिया, सब खैरियत तो है, तुम ठीक तो हो? हाँ। आज ही तो ठीक हुई। तो बहुत अच्छी बात है जोनिया। तेरा है दुरुस्त है, वापसी के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। Thank you.
अरसल अरसल उठो, अभी तक सो रहे हो, उठो। नीचे सब लोगों ने नाश्ता भी कर लिया और तुम अभी तक बिस्तर में घुसे हो, उठो। तुम्हें भी तो बिस्तर से बहुत प्यार था एक टाइम पे, कुछ दिन नीचे जाके नाश्ता क्या कर लिया, ताने दे रही हो। ताना नहीं दे रही हूं अरसल, ये काफी टाइम के बाद फैमिली के साथ नाश्ता करके वक्त गुजार के बहुत अच्छा लगा। हम इन खुशियों से महरूम थे अरसल। कोई महरूम नहीं है, मुझे नहीं मिलना किसी से, कोई वक्त नहीं गुजारना उनके साथ, खासतौर मुझे वो जैद और ईशा की चोंच लेनी पसंद। लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं देखा अरसल, बल्कि ईशा बहुत रिजर्व रहती है। अच्छी तरह जानता हूँ, मेरे साथ ही बहुत रिजर्व रहती थी। एक मौका मिलेगा ना उन दोनों को, यूं फुल फ्री होंगे, बेतकल्लुफ हो जाएंगे ऐसे। प्लीज, इस वक्त हम किसी और की बात क्यों कर रहे हैं? हमें अपने बारे में सोचना चाहिए, हम क्या कर रहे हैं हमें वो देखना चाहिए, ना कि किसी और को। पता नहीं तुम्हारी नौकरी है या उन लोगों के साथ वक्त गुजारना, पता नहीं किसने तुम्हारी काया पलटी है। इंसान को बदलने के लिए एक लम्हा काफी होता है और ना सुधरने के लिए उम्र गुजर जाए तो भी फर्क नहीं पड़ता। इंसान को अपनी गलतियां अपनी कोताहियां कभी नजर नहीं आती, कभी भी नहीं। चले, मैं नहीं आऊंगा, मुझे नहीं मिलना किसी से। आज तो काफी देर हो गई है, चाय बनाकर लाती हूँ। नहीं नहीं, आपको क्या जरूरत है चाय बनाने की, वो अंबर और जोनिया देख लेंगी ना, जोनिया को भी कुछ जिम्मेदारी का एहसास होने दीजिए। वो दोनों तो सुबह से काम कर रही हैं। किस बात की जल्दी, आपको तैयार तो हो जाइए। तैयार हो जाऊं, लेकिन किस लिए? आज वो अम्मी ने मुझसे कहा था कि उनकी कुछ दोस्तें आ रही हैं, आपसे मिलना चाहती हैं, तो इसलिए। मुझसे? लेकिन क्यों? मुझे क्या पता, आप मम्मी से पूछ लीजिएगा। और आप हैरान क्यों हो रही हैं, दोस्त हैं उनकी, तैयार हो जाइए। जैद, ये ड्रेस मेरा तो नहीं है, ये कहाँ से आया? ये अम्मी ने भेजा था, वो मासी के हाथ आप सो रही थी तब। मेरे लिए? आप जाएं चेंज करें। इतना अंधेरा क्यों है जैद? ब्रेकर आए, जरा देखते हैं, ब्रेकर तो नहीं उतर। यहाँ भी अंधेरा है। हाँ, ब्रेकर कहाँ है? यहाँ है, पता नहीं। यहाँ से अम्मी ऐसे ऐसे दिखाए दिखाए मुझे, दिखाए। लाइटर है किसी के पास? ये इतना सब कुछ किसने किया? बस हो गया जादू से। Happy birthday to you, dear Isha. Happy birthday to you.
रहो सदा। गुड हैप्पी बर्थडे। दो मिनट खा लेना। और क्या हो गया? अच्छा लगा आपको? थैंक यू। सुनिए तुम मैं बोल गया तस्वीरें वीडियोस बन लेंगे। इधर ही खड़े हो जाओ। मैंने उसको कहा ना आज तो बैठ कर लगाया आपने टेबल। तुम्हारे बाबा आएंगे ना तो हम खाना खाते हैं। चले ठीक है। जरा देखो खाना बन गया। इतने खुश थी वो है ना? बहुत सर है ना। इस बात तुम्हें शर्म नहीं आई? कोई झिझक नहीं थी। बड़ी आराम से केक खिला दिया तुमने। मेरे टाइम पे तो ऐसा नहीं था। क्योंकि हमारा उस वक्त सिर्फ निकाह हुआ था और जैद मेरे जीवन साथी बन चुके हैं। अब कैसी झिझक? अफसोस है लेकिन तुम्हें अभी तक निकाह की अहमियत का अंदाजा ही नहीं हुआ। क्या बड़ी बात है, एक अग्रीमेंट है। अग्रीमेंट तो कभी भी टूट सकता है। मैं जुनिया को छोड़ सकता हूं। हम फिर से एक साथ बस जैद और जूनिया को सहन में बराबरी कर सकता है। ऐसे क्या देख रहे हो? मैं कुछ गलत कह रहा हूं? बोलो ठीक नहीं? नहीं, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। क्योंकि तुम में और जैद में बहुत फर्क है। कहां तुम और कहां वो। मैं हमेशा जानता था कि तुम मुझे माफ कर दोगे, मुझे माजी भुला दोगे, जो कुछ मैंने किया उसे भुला दोगे और अपना लोगे। क्या कहा तुमने? अपना लूंगी ना। अपना लूंगी? तुमने ये घटिया बात सोची ली कैसे? हाँ, मैं जैद जैसे ईमानदार और मुखलिस शख्स को छोड़ दूंगी और वो भी तुम जैसे बेईमान आदमी के लिए।
तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने जो कुछ मेरे साथ किया अब वो सब कुछ तुम सोनिया के साथ करने जा रहे हो। Shame on you! Shame on you! बिल्कुल नहीं। सच में तुमने एक बार ये नहीं सोचा कि हम लोगों के साथ होना चाहिए? इंसान को किसी की आदत नहीं डालनी चाहिए। जब वो आपसे छिन जाता है तो बहुत तकलीफ होती है। ये सब कुछ क्यों कह रही हैं आप? बस यूं ही कह दिया था। अरसल आपकी आदत था। अलग क्यों रास्ते थे हम कदम किस वास। सोची ले कैसे? मैं जैद जैसे ईमानदार और मुखलिस शख्स को छोड़ दूंगी और वो भी तुम जैसे बेईमान आदमी के लिए। किन सोचों में गुम हूं? क्या हुआ? कुछ नहीं, सोच रहा हूं कि जैद और ईशा एक दूसरे को कितना खुश रखते हैं, कितना ख्याल करते हैं एक दूसरे का। और हम ये कर ही नहीं पाए, क्यों हम एक दूसरे का साथ नहीं निभा सके? मैं तो यही सोचती हूँ आजकल। हमारी तो लव मैरिज भी थी। मुझे लगता है कि हमारे बीच कुछ भी नहीं बचा। आखिरी सांसें ले रहा है हमारा रिश्ता। मुझे डर है कि कहीं ये दम ना तोड़ दे। तुमने कभी अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं की? मैंने बदलने की कोशिश नहीं की, बदल तो रही हूं अपने आप को, कोशिश तो कर रही हूं ना, और बदल जाऊंगी। बहुत बदल गई तुम, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। हमारे दरमियान फासले बहुत बढ़ गए हैं सोनिया, उनको मिटाना बहुत मुश्किल। काश हम भी ईशा और साहब की तरह जिंदगी गुजार रहे थे। लाइट ऑफ करो, बहुत देर हो गई।
जैद कहाँ रह गए थे आप? कहीं नहीं, बस बाहर था। वैसे यकीनन ये आपका ही प्लान होगा है ना? नहीं, तेरा क्या है वो? आप सब लोगों ने तो मुझे हैरान ही कर दिया। आपने भी? मैंने? हाँ वो मैंने आज खुद सुन, मेरा मतलब है मैंने देखा आज आपको, आप बहुत अच्छी लग रही थी। थैंक यू। गिफ्ट? गिफ्ट? शायद आप मेरे लिए गिफ्ट लेकर नहीं आए, ये तो कोई बात ही नहीं हुई। मैं ये है आपका। अरे वाह सेहत, ये तो बहुत खूबसूरत है। चले शुक्र है आपको पसंद तो आया। तोहफा लाए हैं तो क्या पहनाएंगे? नहीं नहीं, क्यों नहीं पहनाएंगे, आपको पहनाएंगे, अपने हाथों से पहनाएंगे आपको। आपको पसंद आया? आप लाए हैं तो क्यों नहीं पसंद आएगा। चलो अच्छा है ना, शुक्र है मेरे खुदा का, कम से कम मेरा लाया हुआ गिफ्ट तो आपको पसंद आया। स्टैंडर्ड बड़े हाई है ना आपके। ये स्टैंडर्ड क्या होता है सर? कोई इंसान अगर मोहब्बत में खलूस से कोई चीज दे बस वही काफी होता है शायद। क्या बात है, मूड क्यों खराब है आपका? नहीं कुछ नहीं, मैं वो शायद थक गया हूँ। मैं आज आपको ऑफिस लेने नहीं आ सकूंगा। कोई बात नहीं, मैं खुद आ जाऊंगी। रात को जल्दी आ जाऊंगा, डिनर पे चलेंगे। कोई खास बात है? नहीं, ऐसे दिल चाह रहा था आपसे आज बात से बातें करने के लिए। वो तो हम घर पर भी कर सकते हैं। क्यों, मेरे साथ नहीं जाना चाहती आप? ऐसा तो नहीं कहा मैंने। तो फिर अच्छा सा तैयार हो जाइएगा आज। कोई तो खास बात है? सरप्राइज है, अभी नहीं दे सकता। ईशा, सुनिया, बैठो। मुझे अरसल और बाकी सबका दिल जीतने के लिए क्या करना होगा? तुम सचमुच ऐसा करना चाहती हो? हाँ, क्योंकि मैं जब तुम्हें देखती हूँ तो रश्क आता है। सोचती हूँ कि किस तरह जैद और बाकी सब तुमसे मोहब्बत करते। जब तुम उनसे मोहब्बत करोगी तो वो भी तुमसे मोहब्बत करने लगेंगे। कैसे? तुम उनकी खुशियों में शरीक हो, कहना मानो, उनसे प्यार करो। मोहब्बत सिर्फ लफ्जों से इजहार कर देने का नाम नहीं है जुनिया।
बहुत अच्छे हैं ये लोग। अगर इनसे मोहब्बत करोगी, इनका ख्याल रखोगी, सब कुछ कुर्बान कर देंगे अपना तुम पर। लेकिन मैं क्या करूं? कोशिश तो करो। लेकिन कैसे कोशिश करूं? क्या करूं ये ही नहीं समझ आ रहा है। अगर तुम वाकई ही इस घर में अपनी जगह बनाना चाहती हो तो इन लोगों के दिल में अपना घर बना लो। कितनी भी कोशिश क्यों ना करूं, लेकिन तुम्हारी तरह नहीं बन पाऊंगी, क्योंकि मेरी फितरत में ही खिदमत गुजारी नहीं है। मैं ऐसी नहीं हूं। क्या करूं? से नहीं होगा। मैं को निकाल दो अपने अंदर से जोनिया। जिस दिन तुमने ऐसा कर दिया ना, उस दिन सब ठीक हो जाएगा। सब कुछ बिगाड़ दिया मैंने, पता नहीं कैसे ठीक होगा। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, तुम कोशिश तो करो। आज रात मैं और अरसल डिनर पे जा रहे हैं। इस जिंदगी की नई इब्तिदा करने, एक दूसरे की रफाकत के साथ। ये तो बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल जाना चाहिए तुम्हें। लेकिन तुम मेरा एक कहना मानोगी जाने से पहले? अंकल और आंटी को बताकर जाओगी कि तुम बाहर जा रहे हो? देखो, इससे कोई छोटा बड़ा नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता। उन लोगों के दिल में तुम्हारी इज्जत पड़ेगी, उन्हें लगेगा कि तुम उनकी रिस्पेक्ट करती हो। बता दोगे? अरे देखो, बातों बातों में इतनी देर हो गई, मुझे ऑफिस के लिए निकलना है। तुम आज ही मेरा काम कर दोगी सारा? हाँ, मैं ये सब कर लूंगी। पक्की बात है? हाँ। चलो ठीक है ईशा। हाँ? हमारी शादी पे आपको मुंह दिखाई नहीं दे सका था ना, तो ये खरीदी आपके लिए। अब इसकी क्या जरूरत थी? वो लम्हा तो कब का गुजर चुका है सैद। मैं ये तोहफा नहीं कबूल कर सकती। हमारे लायक बिल्कुल नहीं। सच बताओ, तुमने एक बार ये नहीं सोचा कि हम दोनों के साथ होना चाहिए? सैद ये बराबरी कर सकता है। चले आप ये कपड़े पहन कर जाएंगे? क्यों, क्या हुआ? मतलब आपने मुझे तो इतना तैयार करवा दिया और खुद इतने साधे। कभी कभी इंसान को अपनी असलियत में भी रहना चाहिए। मतलब? कुछ नहीं, चले। सैद आप लेकर कहाँ जा रहे हैं? वहां के हिसाब से मेरी तैयारी ओवर तो नहीं लग रही ना, क्योंकि आप तो खुद इतने सिंपल हैं और मुझे देखे मैं इतनी तैयार हो गई हूं। नहीं, सी तो लग रही हैं आप। थैंक यू। शायद अगर आप मेरे दिए हुए कपड़े पहन लेते तो और ज्यादा अच्छे लगते। मेरा दिल नहीं कर रहा। शायद क्या हो गया, मूड इतना अजीब सा क्यों है आपका? नहीं कुछ नहीं हुआ मुझे, बस सर में थोड़ा सा दर्द है। तो आप आराम करें ना, हम नहीं जाते, फिर कभी चले जाएंगे। आप फिक्र मत कीजिए, जो कुछ होगा आपकी मर्जी के मुताबिक होगा, आपकी मर्जी के खिलाफ कुछ भी नहीं होगा, ये मैं वादा करता हूँ आपसे। आप बस चलिए। क्या मेरी मर्जी के मुताबिक नहीं होगा और क्या मेरे खिलाफ नहीं होगा, क्या कह रहे हैं आप? सब कुछ यहाँ नहीं बता सकता ना आपको। इतनी जल्दी क्या है, आप चले ना, बताता हूँ आपको।
पे देना क्या बात है, क्यों नहीं बता रहे आप मुझे? बता दूंगा, इस दुनिया में कभी कोई बात ज्यादा देर तक छुपी रही है क्या? अब आप परेशान कर रहे हैं मुझे। सरप्राइज देना चाहता हूँ, खराब मत कीजिए। आपका ये सरप्राइज मेरी जान ले रहा है। कुछ खुदा का खौफ कीजिए, कुछ भी बोल देती है। तो अजीब सी हरकतें कर रहे हैं आप कल से, मुझे बता ही नहीं रहे कि बात क्या है। बता देना हम क्यों आए यहाँ पर। बता दूंगा, आइए बता दूंगा। हम दोनों ही डिनर करेंगे बस। क्यों, किसी और को भी इनवाइट करना था क्या? मुझे लगा कि और लोग भी इनवाइटेड होंगे। आपने कहा था कि अच्छे से तैयार हो जाना, डिनर पर जाना है। मैं कहा था, सिर्फ इसलिए कहा था कि आज के बाद जब भी आपके बारे में सोचूं तो आपका ख्याल सजा धजा मेरी आंखों के सामने है। क्यों, कहीं जा रहे हैं आप? हाँ। कहाँ जा रहे हैं, मुझे क्यों नहीं बताया आपने? अभी बता रहा हूँ ना आपको। क्या हो गया जैद, कल से आप इतनी उलझी उलझी बातें कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे आप क्या कहना चाह रहे हैं। मैं बहुत परेशान हूँ, प्लीज क्लियर बात करें ना। मैंने पूरी रात से सोया नहीं, सिर्फ ये सोच सोच के, सिर्फ ये सोच सोच के कि क्यों आपकी जिंदगी में दाखिल हुआ मैं आखिर। क्यों, क्यों ऐसा क्यों लगा आपको? पता था मुझे कि कितना फर्क है आप में, मुझ में, आप कितनी बुलंदी पे हैं। आपके साथ चलता हुआ बिल्कुल मिसफिट लगता हूं मैं। आपने मजबूरी के तहत मुझे अपनाया है, अपनी मर्जी और अपनी ख्वाहिश के खिलाफ। सैद, ये क्या कह रहे हैं आप? लेकिन अब आप मजबूर नहीं है, मैं आपको इस मजबूरी से आजाद कर रहा हूं। सैद, आप मुझे छोड़ के अर्सल को अपना सकती है, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। मेरा आपसे वादा है, कोई मैं संभाल लूंगा सब, मैं किसी को कुछ नहीं कह दूंगा आपको। और आपको लगता है कि मेरी खुशी अर्सल के साथ है? क्या लगता है आपको मेरी खुशी आपसे अलग होने में? मैं लानत भेजती हूं उस अर्सल पर और आपकी इस घटिया सोच पर। ईशा, 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 एक मिनट मेरी बात तो सुन।
ईशा, ईशा बात सुनो। आपकी हिम्मत नहीं कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? मेरी हरगिज ऐसी नीयत नहीं थी यार, मुझसे गलती हो गई। मैं आपको हरगिज दुखी नहीं करना चाहता था, मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहता था। और जो तकलीफ मुझे हुई आपकी बातों से उसका क्या? मैंने वो अरसल की बात सुनी, मुझे लगा ऐसा मैंने ऐसा भी क्या कह दिया था आपको कि आपने मुझ पर, मेरी मोहब्बत पर, मेरी पाकीज़गी पर शक किया आपने, और अपनी बीवी को किसी और आदमी को सौंप रहे थे। या अल्लाह, ये क्या कर रहे थे आप ज़ैद? मैंने उसकी अधूरी बात सुनी थी, अधूरी बात। मैंने सारी जिंदगी सुनता रहा हूँ, अधूरी बात हमेशा बदगुमानी पैदा करती है। लेकिन और बदगुमानी फासले भी पैदा कर देती है ज़ैद। लगिया नु दिल ही जाने, लगिया नु दिल ही जाने।